आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। यूपी के सभी जनपदों में 68,500 रिक्तियों के लिए आयोजित परीक्षा में चयनित शिक्षकों के चयन हेतु काउंसलिंग चल रही है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के बीएससी ऑफिस में भी बीते 4 दिनों से नए शिक्षकों के चयन के लिए काउंसलिंग जारी है। यूपी सरकार की मंशा के अनुरूप परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को 5 सितम्बर को ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए जाने हैं, जिसके लिए 1 सितम्बर से 4 सितम्बर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान आवेदकों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान किया जाता है। सिद्धार्थनगर जिला अति पिछड़े जिलों के अंतर्गत चयनित होने की वजह से यहां रिक्तियां भी 1087 हैं, जिसमें आज दोपहर तक 1004 आवेदकों ने काउंसिल में भाग लिया है। 87 आवेदकों की काउंसिल शेष है, जिसे शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। जनपद सिद्धार्थनगर में 68,500 की अपेक्षा जो 41,576 की भर्ती हो रही है, उसमें 1039 शिक्षक प्रथम किस्त में मुझे आवंटित हुए थे जनपद को, और द्वितीय सूची रात में 12:30 बजे 48 शिक्षकों की जो मुझे प्राप्त हुई है। इन दोनों सूचियों का काउंसलिंग कराई जा रही है विगत 3 दिनों से। आज तक कुल हमारे यहाँ 1004 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा लिया है। काउंसलिंग अभी गतिमान है, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। 1087 में 1004 लोग काउंसलिंग करा चुके हैं, शेष जो 83 लोग बचे हैं उनकी भी काउंसलिंग प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे आ जाएंगे सबकी करा ली जाएगी।